को भूख लग रही, खाना खाना है जिम्मी को। क्या है? आओ आओ खा लो, आओ खाना खा लो, आओ आजा, खाना खाना है, खाना खाएगी जिम्मी, खाना खाएगी, भूख लग रही जिम्मी तुमको। आज सुबह से भूख लग रही है, इतनी जल्दी खाना खाना, रात में नहीं खाया था इसलिए। जिम्मी ने रात में खाना नहीं खाया आज, अब इसको भूख लग रही है बहुत तेज, इसीलिए सुबह से चाहिए इसको खाना। चलो खा लो, तो देखिए चुप हो गई है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही इसकी, इतनी तेज भूखी थी वो, कल की रोटी रखी है वही खिला रहे हैं। खा लो जिम्मी खा लो। और यहाँ पर मेरी बेटी खिला रही है जिम्मी को खाना, तो मैं भी खड़ी हुई हूँ, धूप थी इसीलिए। और जब से खाना बना रही हूँ तो मैंने बालों का जूड़ा बना लिया है, तो बाल मेरे सूख गए हैं, मैंने देखा भी तो पूरे बाल सूख गए हैं, तो फिर से बना लूँगी जूड़ा। और अभी मुझे कंघी भी करना है, सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, बस रह गया हम लोगों का खाना खाना, क्योंकि अभी सभी लोग हैं घर पर, तो मैंने कहा सभी लोग साथ में खाएंगे, तो मेरी बेटी जिम्मी को खिला दे खाना और इसके बाद जाएंगे हम खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स, तो मुझे भी थोड़ा सर्दी लग रही थी, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर आकर खड़ी हो गई हूँ। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, जब तक हम लोग खाने जा रहे हैं खाना, आप लोग भी आ जाइए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए खाना हमारा हो गया है, तो यहाँ पर मेरी बेटी लगा रही थी नेल पॉलिश मुझे, लेकिन वो कलर पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा मुझे दूसरा लेकर आ जाती है वो। और यहाँ पर मैं भी अपने नाखून में जो पहले से कलर लगा हुआ था वो निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं भी मतलब भूल गई थी अपनी दवाई खाना, मैंने अपने बेटे को तो खिला दी थी खाना के बाद, लेकिन मैं खाना खा दवाई खाना भूल गई, तभी मेरी बेटी ने ला कर दी है कि आप भी खा लो दवाई। और मतलब मैं भूल जाती हूँ कि खाना आधा खाना खाने के बाद, आधा घंटे के बाद मुझे दवाई खानी है, या तो तिवारी जी याद दिलाते हैं या मेरी बेटी याद दिलाती है। तो बस अब मैं पहले खा लेती हूँ दवाई, इसके बाद लगाऊंगी मैं अपने हाथों में के नाखूनों में नेल पॉलिश। तो यहाँ पर मेरी बेटी लगा रही है, जो उसको पसंद है वो वाला अपने हाथों में लगा लेगी, और मुझे जो दूसरा लेकर आई है कलर वो मैं अपने हाथों और पैर में लगाऊंगी। तो आप लोगों को पहले लगा लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन सा कलर लगा रही हूँ और मेरी बेटी कौन सा कलर लगा रही है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स, और फुल वॉच ज़रूर कीजिए, आप लोग फुल नहीं करते हैं प्लीज़ फ्रेंड्स, फुल वॉच कीजिए, इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग मेरी वीडियो को। तो चलिए आप लोग वीडियो इंजॉय कीजिए, मैं लगा लेती हूँ अपने हाथों में और पैर में नाखून पॉलिश। यहाँ पर देखिए हाथ में लग चुके हैं, तो अब लगा रही हूँ मैं पैर में। और यहाँ पर देखा आपने, लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आवाज़ लगा रही है, अपनी माँ को बुला रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंजॉय कीजिए, जब तक हम लोग लगा लेते हैं नेल पॉलिश, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कौन सा कलर लगाया है हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पैरों में भी लग चुका है फ्रेंड्स, तो अब बस मैं, मेरी बेटी बोल रही है कि मेरे पैरों में भी यही वाला लगा दो, उसको ये वाला कलर बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा दिखा दो पैर, मैं लगा देती हूँ। उसके हाथ में दूसरा कलर लगा हुआ है और पैर में वही वाला कलर लगा रही है जो मैंने अपने हाथों और पैर में लगाया हुआ है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले उसके पैर में लगा देती हूँ कलर नेल पॉलिश का। तो ये देख लीजिए, उसका पैर का कलर अलग है और उसके हाथ का नाखून पॉलिश का कलर अलग है। तो ये मैंने उसको पैरों में लगा दिया और मैंने अपने हाथ और पैर में लगा लिए ये वाला कलर, मुझे बहुत पसंद का है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और उसने हाथ में दूसरा लगा, ये सिल्वर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सुंदर लग रहा है मेरा हाथ भी। और फ्रेंड्स, अभी उठी हूँ 5 बजे में,
और अभी मैं कर लेती हूँ कंघी, क्योंकि मैंने कंघी भी नहीं की है, बस ऐसे ही लेट गई थी तो नहीं आँख मेरी लग गई। और अब मैं कंघी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह तो बाल गीले थे मेरे, तो बस इसीलिए मैंने कंघी वगैरह, ये देखिए पूरे मेरे बाल उलझे हैं, तो कंघी कर लेती हूँ, इसके बाद जाऊँगी चाय बनाने के लिए। अभी भी नींद आ रही है इतना सोने के बाद मुझे। तो फ्रेंड्स, बस आज मैंने बहुत ज़्यादा सो लिया, बहुत ही, इतना सोचा नहीं था कि मतलब मैं इतना सो जाऊंगी 2-3 घंटे, लेकिन बस मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर लाइव आई और इसके बाद वहीं पर फोन रख कर मैं लेट गई। लेटी तो वैसे ही मेरी आंख लग गई और ये देखिए इतना सो लिया कि मुझे इतना आला सारा ऐसा लग रहा है कि मैं अब कुछ भी ना करूँ और बस सोती रहूं। इसीलिए मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। जैसे ही मैं लाइव आई वैसे मुझे आलस आया, तो मैंने आधा घंटे की लाइव ली, 30 मिनट की केवल, और इसके बाद मैंने लाइव ऑफ कर दी और मैं वहीं के वहीं बेड पर लेट गई। लेटी तो मेरी आँख लग गई और अब उठी हुई हूँ और अभी मेरे को बहुत काम करना है, शाम होने वाली है फ्रेंड्स। तो आज मैं सोना भी नहीं चाह रही थी लेकिन सो गई, क्या करूँ, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी कंघी भी हो गई है मेरी, तो मैं जूड़ा बना लेती हूँ और इसके बाद अभी मुझे किचन में भी जाना है, कमरे का काम भी करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए अभी भी लक्ष्मी इतना आवाज़ लगा रही है कि आप लोग खुद सुन सकते हैं उसकी आवाज़, इतनी अपनी माँ को बुला रही है कि आ जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जूड़ा बन गया है, तो मैं क्लेचर और लगा लेती हूँ और इसके बाद चलते हैं हम किचन में। अभी चाय भी बनाना है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है इस वजह से। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है उठने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं चद्दर वगैरह रख देती हूँ उठाकर। और अभी मुझे शाम का झाड़ू भी लगाना है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं चाय, क्योंकि आलस बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे, तो चाय पी लूंगी तो आलस चला जाएगा। और यहाँ पर बंधी हुई है जिम्मी, क्योंकि बाहर बंधी हुई थी तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, कोई भी नहीं था, तो मैंने फिर अंदर ही बांध ली है। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं किचन में चाय बनाने के लिए। और मैंने जब सिर धोया तो उसके बाद पूरी मांग भी भर ली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया, उसमें शक्कर और चाय पत्ती अदरक डाल दिया है, उबल जाएगी तो उसमें दूध भी डाल दूँगी। तो ये देख लीजिए चाय हमारी उबल चुकी है फ्रेंड्स, दूध डाल दिया था मैंने, अब इसको मैं छान लेती हूँ और सभी को दे देती हूँ चाय। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने चाय छान ली है, तो मैं जा रही हूँ कमरे में चाय पीने के लिए, ये देखिए। चलिए तो हम चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं पूरी खाना के लिए, मेरे बेटे के लिए, उसको पूरी खाना है, तो मैंने कहा चलो सभी के लिए बना देती हूँ मैं। तो जैसे ही मैं चाय पीन कर और फ्री हुई थी, मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लूँ, लेकिन बेटा बोलने लगा मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा,
तो मुझे पूड़ी बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको उसके पापा भी कहने लगे बना दो अब, क्योंकि उसको जो मन कर रहा है वो खिला दो। दो तीन दिन से कुछ भी नहीं खाया है इस वजह से, और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाने की कोशिश कर रहा है। पूड़ी पराठे दे दो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़ी, तो उसको रोज़ देते जाओ। आलू के पराठे इतने पसंद है, इतने मतलब वो ये नहीं कहता कि आलू के पराठे के बाद आप कुछ और बना दो, आलू के पराठे दे दो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो सभी को बना देती हूँ, बेटे को बना रही हूँ, दोनों बेटी भी घर पे हैं और तिवारी जी भी हैं, जिसको खाना है वो खा लेगा। और शाम का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं अपने काम से भी फ्री हो जाऊँगी खाना से, इसलिए और मैं सभी को बना देती हूँ। और सुबह की सब्जी भी रखी हुई है, मेथी की भाजी और सेव टमाटर की, तो जिसको जिससे खाना होगा वो खा लेंगे। और मेरा बेटा तो अचार से भी पसंद करता है, पूरी पराठे उसे बहुत पसंद है, वो ये नहीं कहता कि इससे खा लूँ, नमकीन रखा हो तो नमकीन से खा लेता है। तो मेरी बेटियाँ भी खा लेंगी, तो बस मैं रह जाऊँगी, मुझे पूरी नहीं खाना है। तो मैं बना लूँगी अपने लिए, रोटी सेक लूँगी और तिवारी जी से भी पूछ लूँगी, अगर तिवारी जी को भी पूरी खाना है तो पूरी खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं उनको भी रोटी सेक देऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ पूरी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को इन्जॉय कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग मेरी वीडियो को, हम लोग इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, कि जिससे आप लोगों को पता चल जाए, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैं पूरी बना देती हूँ सभी के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को इन्जॉय कीजिए। और फ्रेंड्स बस थोड़ी सी पूरी रह गई है मेरी, सारी पूरी बन गई है बच्चों के लिए। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि खा लो, गरम गरम पूरी है। तो बस मेरा बेटा अभी आ गया है, तो बस ये पूरी निकाल देती हूँ और मेरे बेटे को दे देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर वो मेथी की भाजी से खाना है उसको, मेथी की भाजी से बोल रहा है कि मुझे मेथी की भाजी दे दो और सब्जी में और दो पूड़ी दे दो, बस इतना ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाना है उसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी मैं मेथी की भाजी दे देती हूँ, नमकीन का भी बोला कि नमकीन खा लो लेकिन नहीं खाना है उसको। तो बस यहीं पर बैठकर गर्मा गर्म पूड़ी खा लेगा, फिर इसके बाद मैं अपनी बेटियों को भी दे दूँगी। और मेरी पूड़ी बन चुकी है फ्रेंड्स, एक रह गई है तो इसको और बना देती हूँ। इसके बाद मुझे जाना है रूम में, तो ये देखिए मैंने पूड़ी भी निकाल ली है, बस एक ये पूड़ी रह गई, इसको और निकाल लेती हूँ और फिर मैं करूँगी गैस बंद। अभी मुझे कमरे में लगाना है झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, इसीलिए पहले मैं कमरे में झाड़ू लगाऊँगी और इसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी चाय के बर्तन भी रखे हुए हैं और बेटी दोनों उस वाले रूम में खा रही हैं पूड़ी, तो वो लोग भी खा लेंगी, तो वो भी बर्तन निकल आएंगे। तो मैं सारे बर्तन कर दूँगी साफ़ और तब तक मैं अपने कमरे में लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी झाड़ू नहीं लगा है, फिर 6 बज जाएंगे तो झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी, इसीलिए इस वाले कमरे का झाड़ू लगा देती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और अब मैं बस बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, मेरी वीडियो को बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। सभी को राधे राधे, बाय, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ।